अमृतसर में उद्योगपतियों की व्यापार को लेकर एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के सामने उद्योगपतियों ने अपनी समस्याएं रखी। इस मीटिंग में सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी परेशानी मंत्री सुंदर श्याम के सामने रखी। तो कारोबार में आने वाली मुश्किलों को लेकर कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम ने बताया कि नई इंडस्ट्री के लिए 590 करोड़ रुपए का एमओयू बनाया जा चुका है। 590 करोड़ के नए एमओयू भी हुए, जहां प्रॉब्लम की बात थी उसके साथ जो हमारी नई इंडस्ट्रीज पॉलिसी है उससे बर्बाद होके ये इंडस्ट्री वालों ने 590 करोड़ के नए एमओयू किए हैं नई इंडस्ट्री के लिए। जो हमारी नई पॉलिसी है उसमें हम 5 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं, उससे जो हमारी इंडस्ट्री पहले थोड़ी सिक थी वो भी मतलब अब अच्छी कगार पे आ गई है, जिसके सदका नए यूनिट लग रहे हैं। और दूसरा, हम वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें को हमारे सिक यूनिट हैं जो बंद पड़े हैं यूनिट, उसको हम एक वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी ला रहे हैं जिसके उनको रिलीफ दी जा सके। अमृतसर में पिछले दिनों नशे से हो रही नौजवानों की मौत के बारे में जब पत्रकारों ने कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा से सवाल किया तो उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया को हल्का मजीठा कहा और कहा ये हम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। हमने एसटीएफ बनाई विशेष, हमने पुलिस को अलग दर्जा दिया इसके लिए, नशे खत्म हो रहे हैं। ऐसी देखिए मेरी बात सुनिए, एक दो चीज़ों को छोड़कर किसी भी चीज़ का कभी अंत नहीं होता, मेरी बात सुनिए। हम बोलें कि किसी चीज़ का बीज नाश हो जाए, इतनी जल्दी हम लगे हुए हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लगे हुए हैं कि हमने जो लोगों से वादे किए हैं हमने वो पूरे करने, उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी अच्छा लिखिए उसके लिए कि लोग नशे से दूर हो जाएं। हम अकेले नहीं कर सकते, सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है, खास करके आपके। ये जो मजीठा के इर्द गिर्द एरिया है ना, वहाँ से थोड़ा जड़ निकालने में समय लगेगा। अमृतसर से प्राइम टीवी के लिए अमन महाल की रिपोर्ट।